at the top is in the form of a frustum of a cone of height 14 24 cm with radii of lower and upper circular ends is 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the milk can be completely filled in the container at the rate of 21 rupees per liter. तो कितना लीटर उसमें पहले मिल्क आ सकता है ये पहले निकाल लेते हैं. कंटेनर कैसा है जी? ये फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में है, ठीक है ना जी? जो ऊपर से खुला है तो जाहिर सी बात है कंटेनर है, तो किधर से एक तरफ से खुला तो होगा इस तरह का. हाँ, इस तरह का कंटेनर है. इसको मिल्क से फिल करना है, यानी कि वॉल्यूम हमें पता करनी होगी तो काम बन जाएगा. तो इसका हाइट और रेडियस देख लेते हैं. देखिए हाइट दिया है इसका 24 सेंटीमीटर, रेडियाई ऑफ लोअर एंड देखिए 8 सेंटीमीटर और टॉप का कितना दिया है 20 सेंटीमीटर. अच्छा, रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है. तो एक क्वार वन ले लेते हैं जो कि है 8 सेंटीमीटर और एक क्वार टू ले लेते हैं जो कि है 20 सेंटीमीटर. और हाइट, हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन का हाइट कितना है भाई? तो हाइट यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर. अब इसके बाद देखिए कैपेसिटी निकाल लेते हैं. कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की कैपेसिटी निकालने के लिए उसका वॉल्यूम यानी 1/3 पाई आर वन स्क्वायर प्लस में आर टू स्क्वायर प्लस में आर वन आर टू और इंटू में एच. चलिए अब इसके बाद देखिए 1/3 पाई की जगह 22/7 कह रहा है आपके क्वेश्चन में. यहाँ पर आर वन स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, आर टू स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 8 इंटू में 20 और फिर इंटू में एच कितना है भाई? एच है 24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी. अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 1/3 इंटू में 22/7 अंदर देखिए 64 400 160, ठीक है ना जी, और इंटू में 24 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है. 1/3 इंटू में 22/7 और इंटू इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना जी. तो 64 400 और प्लस में आपका कितना हो जाएगा जी? 160. तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 624 इंटू में 24 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए तो इससे 3 से काट देंगे 8 टाइम्स में, है ना जी. चलिए है ना, 8 टाइम्स में कट जाएगा. अब देखिए इसके बाद देखिए क्या होता है. अब ये 624 नीचे 7 बचा, कटेगा नहीं, 22 से भी नहीं कटेगा. देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 624 और यहाँ इंटू कर देंगे 8 से और 22 से. तो 624 इंटू में 22 और इंटू में आपका ये 8, तो आ जाएगा यहाँ पर 109824/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी. चलिए तो ये लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं ना जी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के इक्वल होता है. तो आ जाएगा 109824/7 इंटू में 100 लीटर्स, ठीक है. अब इसके बाद देखते हैं कॉस्ट ऑफ द मिल्क, कॉस्ट ऑफ द मिल्क इन द कंटेनर, इन द कंटेनर क्या हो जाएगा जी? 109824/7 इंटू में 1000 और 1 लीटर का कॉस्ट लग रहा है ना 21 रुपीज. तो 7 3 21, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 329472/1000 रुपीज. तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो 329 रुपीज 47 पैसा आ जाएगा, ये आपका आंसर. तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे. आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा. पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा. दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर. और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए, सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।